हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो आज बहुत ही खास दिन होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ कस्टम इंस्पेक्टर कुणाल हैं, और कुणाल का अभी नासिक में ट्रेनिंग चल रहा है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आज ये फाइनली इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। नासिक का वीडियो पे आपने कमेंट किया था कि किसी का इंटरव्यू करवाने के लिए, तो फाइनली आज कुणाल से पूछेंगे हम लोग नासिक का एक्सपीरियंस है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार बता दूं मैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि जितने भी अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर बने हैं या फिर कस्टम में लगे हैं उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। कुणाल, अभी मैं कुणाल का बारे में बताता हूँ। कुणाल, खैर आप लोग इनको जानते होंगे, कुणाल की जर्नी इनका यूट्यूब चैनल है उससे, और ये अभी मुंबई में पोस्टेड है और अभी इनका नासिक में ट्रेनिंग हो रहा है। नासिक जो है मुंबई का भयंदर में है, बाकी अगर चेन्नई का भी होगा तो ट्रेनिंग तो सेम ही होता है। ठीक है, तो वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी अगर होगा तो कुणाल से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस कमेंट पे रिप्लाई करेंगे अगर आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो। तो सबसे पहले कुणाल ये बताइए कि ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कब से कब तक है और क्या होता है ट्रेनिंग में। देखिए, एक्चुअली ट्रेनिंग तो 3 महीने, मतलब 98 डेज की होती है। ठीक ओके है, 14 वीक की होती है। और लेकिन अभी जो ट्रेनिंग हो रही है, अभी 77 डेज, मतलब 11 वीक की हो रही है। और 11 वीक में जो भी है इसमें अभी पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैं जीएसटी में हूँ तो जीएसटी के बारे में सारे चीज़ बताए जाएंगे। ठीक है, क्या रूल है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, कैसे टैक्स इम्पोज किया जाना है, और साथ में मतलब जो भी दिक्कतें आती हैं टैक्स कैलकुलेट करने या एसएससी को जो भी दिक्कतें आती है वो सब अभी बताया जाएगा। अभी क्लास उसी पे चल रहा है। यहाँ मैं एसएससी का बता दूँ, एसएससी मतलब वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं, एसएससी जो कह सकते हैं एक क्लाइंट जो होते टैक्सपेयर, हैं, टैक्स पेयर टैक्सपेयर। जो होते हैं वो एसएससी कहते हैं, टेक्निकल भाषा है ये गवर्नमेंट का। तो कुणाल, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ करवाया जाता है, या सबसे पहले मतलब ठीक है वो तो ट्रेनिंग में होता ही है, नॉर्मल बात है, लेकिन एकोमोडेशन क्या क्या प्रोवाइड होते हैं कुछ बताएंगे क्या आप। देखिए, अगर नासिक कैंपस आपको मिलता है तो नासिक कैंपस के अंदर सब कुछ A to Z सुविधाएं मिलती है, खाने से लेकर मतलब हर चीज। आपको रहने के लिए रूम है, एसी रूम दिया है। अब देखिए सरकार आपके लिए कितना मतलब एकोमोडेशन देती है। देखिए मैं हूँ अभी तो नासिक मुंबई में, तो वहाँ पे एसी रूम दिया हुआ है, गीजर भी लगा हुआ है, और जो भी आपको केटल वेटल की जरूरत है पानी गर्म करने के लिए, और आयरन डेस्क सब कुछ दिया हुआ है। साथ ही आपको सुबह में पीटी करवाया जाएगा और योगा भी करवाया जाएगा, मतलब दोनों चीज़ आपको करवाया जाएगा। और ये लगभग 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे चलते हैं सेशन। उसके बाद नाश्ते का, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था उसी में है, फिर लंच की व्यवस्था उसी में है, डिनर की व्यवस्था उसी में है, और टी ब्रेक जो होता है उसमें भी वो व्यवस्था की गई है, मतलब खाने से लेकर और आपका रहने तक। फिर सुबह में जो भी फिटनेस के लिए है ये भी की गई है व्यवस्था, और साथ में आपको खेलने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है कि खेलने के लिए सारे लगभग इक्विपमेंट है। क्रिकेट जिसको खेलना है क्रिकेट खेले, बेस मतलब अगर आपको टीटी खेलना है टीटी खेलिए, जिसको बिलियर्ड्स खेलना है बिलियर्ड्स खेलिए, मतलब सारी व्यवस्था की गई है। उसके साथ आपको क्या कहलाता है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, और कंप्यूटर पे कुछ काम है तो कंप्यूटर रूम भी बना हुआ है। मतलब सरकार ने टोटली सुविधा कर रखी है, जो सुविधा चाहिए आपको सब एक ही कैंपस में मिल रहा है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी व्यवस्था दे रखी है। कुणाल, कितना पैसा लगा उस पर हम लास्ट में आएंगे, क्योंकि आप लास्ट तक वीडियो का आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कि कितना पैसा खर्च होता है, और ये क्या पैसा कुणाल अपने पॉकेट से दे रहा है आज तक, या फिर गवर्नमेंट दे रही है, ये हम लास्ट में पूछते हैं कुणाल से। कुणाल, इसके पहले ये बताइए कि आपका जो ट्रेनिंग है ये 2 तरह का ट्रेनिंग, जहां तक मैंने सुना है, मैं वीडियो में बताया हुआ था, एक एकेडमिक ट्रेनिंग होता है और एक पुलिस ट्रेनिंग होती है, तो क्या पुलिस ट्रेनिंग आपके साथ में हो रही है या बाद में होगा वो। नहीं, अभी एकेडमिक ट्रेनिंग हो रही है, पुलिस ट्रेनिंग लास्ट में होती है, वो 21 दिन का होता है, जो मतलब वैसे 14 दिन का माना जाता है, लेकिन हम लोगों को मतलब 21 दिन गैप दिया गया है, तो आई थिंक वो 21 दिन की होगी। और अभी फिटनेस के लिए आपको डेली पीटी होती है, जैसे पुलिस में होता है ना 40-45 मिनट की पीटी होती है, वैसे ही जस्ट वैसा ही हो रहा है, और योगा साथ में हो रहा है। ये एक्स्ट्रा करिकुलम मतलब है कि आपको 3 महीने आपको करने हैं, मतलब जितना दिन उस एकेडमी में 77 डेज रहना है उतना करना है। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस कुणाल, हिसाब से वो है। ड्रेस क्या क्या ले जाने के लिए बोला जाता है, जैसे मतलब
आप वर्दी तो एक ले जाते ही होंगे, आप जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर तो व्हाइट कलर की वर्दी जो होती है, या फिर अगर कस्टम आप तो कस्टम है तो आपका खाकी वर्दी हाँ, चलता खाकी वर्दी है। उसके अलावे पीटी वगैरह के लिए भी पीटी एक्स्ट्रा या फिर कुछ ऐसा लिस्ट मिलता है क्या, जो मतलब थोड़ा बताइएगा क्या। तो पीटी के लिए जैसे कि एक वेंडर आया है सबको लोगों के लिए ड्रेस के लिए ले गया है और वो ड्रेस दे जाएगा। मतलब जो पीटी के लिए आप लोग ड्रेस बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई भी स्कूल एकेडमी कहीं भी मिलता है, तो एक तरह का सबका ड्रेस होगा और वही लोअर और टी शर्ट होगा और साथ में पीटी शूज होगी। ये चीज़ मतलब सबको एक जैसा दिखने के लिए बहुत ही मिनिमम रेट पे एक वेंडर आया है, वो हम लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। ये मिनिमम रेट क्या नासिम पेड करती है या आप लोगों को पेड? नहीं, ये तो हम लोगों को पेड करना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सनल चीज हो गया, तो फिर हम लोगों को पेड करना पड़ेगा। उसको बाद में आप यूज भी कर सकते हैं। हाँ, उसको तो बाद में यूज करना ही चाहिए। कुणाल, बहुत इंपॉर्टेंट है खाना। खाना कैसा होता है, मतलब क्या नासिम का खाना बहुत अच्छा होता है या फिर ठीक है या फिर मतलब नहीं खा पाते हैं जैसे जैसे गुजारा कर रहे हैं? या खाना तो ठीक है, मैं बोलूंगा कि अगर जैसे नॉर्थ इंडिया के हिसाब से खाना यहाँ पर अच्छा है, आपको सारी चीजें मिल जाती है जो खाना है, हरी सब्जी भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि हरी सब्जी नहीं मिलती है, और दो सब्जी रहती है, एक दाल रहता है, दही रहती है, और मतलब अगर कोई सब्जी पसंद भी नहीं आए तो दो सब्जी रहती है तो कोई ना कोई पसंद जरूर आ जाएगा, और बाकी सारी चीजें रहते हैं, मतलब सही कंप्लीट थाली रहती है। एक बैच में कितने लड़के होते हैं? अभी 100 हैं। अभी 100 है, मतलब 100 का 100 का बैच बनेगा, बैच बनता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएंगे कुणाल, मतलब आपको कैसा लग रहा है? अभी तक तो अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे हम लोगों का फिजिकल फिटनेस के लिए समय नहीं हम लोग देते थे अपने आप पे, तो फिजिकल फिटनेस वहाँ पे ऑटोमेटिक हो रही है क्योंकि वो हमारे रूटीन में ही डाल दिया गया है। और जो रूटीन में बिल्कुल नहीं था, जो कि रूटीन में था ही नहीं, सोचे भी नहीं थे कि रूटीन में आने वाला है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही फिर एकेडमिक जो पढ़ाई होती है तो फिर वैसे ही, अगर कोई कॉलेज किया होगा तो वैसा ही दिन याद आता है, जो हाई स्कूल में भी होता है वैसे ही कि पढ़ने जाओ 9:30 बजे से एकदम टाइम टू टाइम 5:30 बजे छुट्टी होती है, वैसे ही मतलब लगता है कि क्लास करने जा रहे हो, डेली करना है, और थोड़ी सी मतलब स्ट्रिक्टनेस रहती है, फिर भी अच्छी बात है, टाइम टू टाइम जाना और आना वो एक डेली का रूटीन में बन गया है। क्लासरूम वगैरह कैसा है? क्लासरूम हाईटेक है मतलब? हाँ हाँ, फुल्ली ऐसी है, और फिर पूरी तरह मतलब इलेक्ट्रॉनिक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, प्रोजेक्टर है साथ में। अच्छा। और सारी सुविधाएं हैं, मतलब जो चाहिए क्लासरूम में सब कुछ है। ओके, मतलब एक तरह से कहें तो आप 5-star होटल में जाकर रह रहे हो, ऐसे फीलिंग ले रहे हो आप। इंटरकॉम भी लगा हुआ है, फोन लगा हुआ है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आप कॉल करके बोल भी सकते हो कि मेरे रूम में ये चीज की जरूरत है। अच्छा। और जो भी घट गया है आपके रूम में वो सारा चीज आप मतलब मांग सकते हो, वहां पे सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है। कुणाल, छुट्टी का क्या सीन है, अगर छुट्टी क्या मिलता है वहाँ पे ऐसे वीकडेज या वीकेंड्स पे, मतलब कैसे छुट्टी मिलता है? अगर मान लो कि छुट्टी लेना हो तो एप्लीकेशन वगैरह किसको देना पड़ता है? दो कंडीशन में आपको छुट्टी मिलेगी, एक इमरजेंसी हो, तो इमरजेंसी केस तो हर जगह अप्लाई होता है, वो तो उसकी बात ही अलग है, और एक होता है आपका एग्जाम हो या बहुत इंपॉर्टेंट काम हो। बहुत इंपॉर्टेंट काम आप समझ सकते हो कि ऐसा ना सोचो कि आपकी सगाई होने वाली हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम में आएगी, उसको इंपॉर्टेंट नहीं देती सरकार। वो मतलब अगर प्री प्लान्ड है पहले से कि आपकी शादी होने वाली, पहले से ही हो गया और आपका नाम चला गया है, तो आपको 2-4 दिन या 1 वीक की छुट्टी मिल सकती है, लेकिन वैसे छुट्टी किसी भी ट्रेनिंग में नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर शादी अगर आप करना चाहते हो, अभी डेट वगैरह मत रखना, नासिन का ट्रेनिंग हो जाने देना। हाँ, ये चीज होती है उसमें है, और साथ ही आपको मतलब बाकी छुट्टी तो मिलती नहीं है, संडे या सैटरडे को आप जा सकते हो कहीं भी बाहर कुछ सामान लाने, लेकिन हेड क्वार्टर लीव के लिए आपको परमिशन की जरूरत होगी। हेड क्वार्टर लीव का सेंस मतलब सेंस कि अगर मुंबई से बहुत दूर जा रहे हो या होम स्टेट जा रहे हो तो इसके लिए बहुत जरूरी, मतलब मुंबई से आप, हाँ, मुंबई का एक जो भी प्रिस्क्राइब्ड एरिया होगा वो आप छोड़ रहे हो तो आपको उसका परमिशन का जरूरत पड़ेगा। अगर ऐसे जाते हो, मान लो अगर कुछ उधर हो जाए आपके साथ, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई दुर्घटना घट जाती है या घटना घट जाती है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी फिर नासिर नहीं लेगा, वो फिर आपको पर्सनली बियर करना पड़ेगा, जो कि बहुत फिर कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो कभी भी हेडक्वार्टर और छुट्टी फिर किसको देना किसको पड़ता है? वो नासिन में एडिशनल डायरेक्टर होते हैं या उनके जगह पे डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, जो भी होते हैं, जो इंचार्ज में रहेंगे उनको देना होता है। एक बहुत बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आया था कि क्या, मैं पहले ही बताया था कि टेस्ट के बारे में,
क्या लास्ट में एक जो टेस्ट होता है आप लोग का, उसका कुछ आइडिया है क्या आपको? वो कंपलसरी होता है क्या पास करना? पास करना तो कंपलसरी है, लेकिन अभी उसका मतलब ये आइडिया नहीं कितने नंबर का क्या होगा, लेकिन बोला गया है कि टेस्ट होगा और टेस्ट में पास करना जरूरी है, नहीं तो आपको फिर से बुलाया जा सकता है, ऐसे बोला गया है क्या? हाँ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं एक प्रिवेंटिव ऑफिसर है मेरे फ्रेंड, तो उनसे बात किया था तो वो भी बोले थे यही बात कि बोलते हैं पास होना जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो पास फेल का कोई फिक्स डिसाइड ही नहीं होता है कि कितना होगा। तो अभी आपका टेस्ट होगा तो फिर हम एक बार आपका वीडियो बनाएंगे, उसे बताइएगा आप कितना नंबर आया आपका। और आते हैं कुणाल अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, कितना एकोमोडेशन में आपका खर्च होता है, और ये जो खर्च हो रहा है मैं जैसा कि बताया था अभी कि लास्ट में बताऊंगा, तो बताइए कि कितना खर्च हो रहा है और क्या ये पैसा आप पे कर रहे हैं या गवर्नमेंट पे कर रही है, और गवर्नमेंट आप पे कितना खर्चा कर रही है वो भी थोड़ा एक हिसाब लिखा के बताइए कि मतलब गवर्नमेंट का भी बहुत खर्चा होता है आई थिंक, क्योंकि बड़े बड़े लेक्चरर आते होंगे पढ़ाने और इतना क्लासरूम को मेंटेन करना, 25 रुपये का हॉस्टल में थोड़ी 25-50 रुपये तो हॉस्टल फी लगता है, इतना थोड़ी इससे तो बहुत ज़्यादा लगता होगा, लेकिन गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन है वहाँ पे, तो ओवरऑल एक पैकेज बताइए क्या थोड़ा। अगर देखें खर्चे का मतलब रहने का जो भी है, तो जैसे 25 रुपये एकोमोडेशन का लगता है रहने के लिए, तो जैसा कि मैंने बताया फुल एसी रूम है ये सब, तो आप देखिए कि वो बाकी आप एक होटल के रूम का किराया देख लीजिए, ऐसी सुविधा है तो अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के। लेकिन हम लोगों का 25 रुपये ही पैकेट से लगता है, और खाने का जो भी लगता है 400 रुपये के करीब लगता है। और रही बात रिम्बर्समेंट की, तो रिम्बर्समेंट बोला तो गया कि हो जाएगा लगा देना बिल, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, लेकिन जनरली बोला जाता है कि लगा देना बिल, हो भी सकता है कि कहीं कहीं पे नहीं होता है, कहीं कहीं पे हो जाता है। वैसे अगर आपको खुद का सारा अगर रखा मतलब सारा व्यवस्था करना होता है, जैसे आप बाहर रहते हैं, बाहर की व्यवस्था रहती तो पूरी तरह आपको मतलब पैसा दिया जाता रहने का और खाने का ये सब, मतलब कितना देते हैं कुणाल लोग? लगभग अगर बाहर रह रहे हैं तो डेली 1800 रुपये के करीब आपको मिलता है, अगर आप बाहर नहीं हो उसमें हो तो डेली 1800। हाँ मतलब अगर देखे तो 18-54 हज़ार डेली पूरा मिल रहा है आपको एक महीने का, मतलब एक महीने का एक सैलरी 2 महीने का मिलेगा आप एक महीना नासिर में ट्रेनिंग करोगे तो। लेकिन बाहर से आने में बहुत दिक्कत होगा क्योंकि 6 बजे सेंटर पे पहुंचना, ऊपर से खाना पीना सब चीज़ खाना बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा ये आपके लिए। लेकिन नासिन का थोड़ा वहाँ फ्रेंड ग्रुप भी बन जाता है। हाँ, वहाँ पर अच्छा। गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है आप लोग? गवर्नमेंट बहुत खर्च कर रही है, मेरे देखने से एक कोई भी बंदा है उस पर लगभग वो उसका खर्चा मतलब हम लोगों को एक महीने का लगभग उसका भी 50-60 हज़ार रुपया है पर कैंडिडेट, ये मान लीजिए पर कैंडिडेट 50-60 हज़ार। हाँ, गवर्नमेंट ये खर्चा कर रही है, यानी गवर्नमेंट आप पे कितना पैसा बर्बाद कर रही है, बर्बाद तो नहीं कर रही है, आबाद ही कर रही है सॉरी। लेकिन यही है कि मतलब दुख होता है तब जब यहाँ पे आते हैं लोग, दो तीन महीना ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद फिर छोड़ के भाग जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, तो अभी कुणाल आपका क्या आगे का क्या प्लान है, आप भी भागने वाले हो? नहीं, अभी कुछ प्लान नहीं है, अभी प्लान होगा तो बता देंगे। नेक्स्ट फाइनल डेस्टिनेशन के कुछ बारे में बताओगे? फाइनल डेस्टिनेशन तो अभी सोचा नहीं है, देखते हैं अभी मुंबई में अभी रह के फिर फाइनल डेस्टिनेशन। वैसे तो अब तो मैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का पार्ट रहूँगा जब भी जब तक रहूँ, तो अगर मैं अगर छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर उस रिवेन्यू वाले जनरेट वाले डिपार्टमेंट जाता हूँ तो वहाँ काम ये आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ये काम अगर सीखे रहेंगे तो वहाँ भी काम आएगा, वही काम। तो कहीं ना कहीं तो सरकार का आपके पास तो दोनों आपके पास तो दोनों एक्सपीरियंस है। हाँ। कुणाल के पास तो इनकम टैक्स का और कस्टम्स दोनों का एक्सपीरियंस है, तो कह सकते हैं कुणाल तो फुल पैकेज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। चले तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कुणाल से आपको इसमें हेल्प करेगा, आप कुणाल से मैं कमेंट करूंगा, कमेंट आप कीजिएगा, कुणाल और मैं दोनों रिप्लाई करते रहेंगे आप, और ऑल द बेस्ट जिनका भी प्रिवेंटिव ऑफिसर या कस्टम या नार्कोटिक्स में हुआ है, जीएसटी में, एक्साइज में, किसी या जो भी एग्जाम निकला, आपको ऑल द बेस्ट, एंड आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो अभी 13 तारीख तक चल रहा है एग्जाम, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट सभी को, सभी का रिजल्ट है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।